हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है 2x + 1 = 4^2, यानी कि 4^2। इसमें हमें x का मान बताना है, यानी कि x के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम आसानी से सीखते हैं। जैसे 2^2x + 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2^2x + 1 = यहाँ पर 4^2 है, 4^2। हमें इस तरह के प्रश्नों में आधार को, ये रहा आधार, 2 होगा आधार और ऊपर वाला रहेगा पावर यानी कि घात। हमें आधार को समान बनाना होता है, तो इसे हम समान बनाने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 2^2, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो होगा 4। अब इसका पावर हम 2 ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिखेंगे 2^2x + 1 = 2^2, यानी कि इसका और इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2^4। अब यहाँ पर आधार समान हो गया। अब हम अगर आधार समान है तो घात भी समान होगी, यह नियम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 1 = 4, क्योंकि घातें भी समान रहेंगी। अब हम x को, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2x इस तरफ रहने देंगे और एक को हम इस तरफ लेकर चले जाएंगे, जिसे पक्षांतर कहते हैं। तो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस 1 हुआ। अब 2x 4 में से गए 3, तो x बराबर आया हमारे पास x = 3/2, क्योंकि 2 इसके नीचे चले जाएगा यानी कि बटे के रूप में, तो हमारा आंसर आया 2/3, यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इससे थोड़ा टफ है। अगला प्रश्न हमारे पास है 16^2 यानी कि पावर 2x + 3 = 512। तो हमें x का मान बताना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले आधार को समान बनाएंगे, जिस तरह से हम पहले प्रश्न में किए थे। तो हम जानते हैं कि 16 हमें 2^2 कितनी बार, 2^2 हमें जैसे 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8 × 2, 8 × 2 = 16, यानी कि 2^4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 4 2 है, इसलिए 2^4 हम 4 लेंगे। उसके बाद है 2 × 2 × 2, 2^5x + 3 = अब हम 512 के 12 को 2 के रूप में बदलेंगे। जैसे 2 × 2 = 4, फिर 2 × 8, फिर 2 × 16, फिर 2 × 32, फिर 2 × 64, उसके बाद फिर 2 × 64 = 128, उसके बाद फिर 2, यानी कि हुआ 512, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक बार और जाएगा 2, अब हुआ 512। इसे आप गुणा करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पर दो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 2 की पावर 9 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है, आधार समान है तो धातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर नियम है ए की पावर एम इंटू बी की पावर सॉरी ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इक्वल टू होगा ए एम इंटू एन ओ सॉरी एम प्लस एन, इसका हो जाएगा आधार ओ घात एम प्लस एन। इसी तरीके से आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 5x + 3+4। अब इसे हम जोड़ लेंगे 4, 3, 7, यानी कि यहाँ पर हुआ 2 की पावर 5x + 7 = 2 की पावर 9। अब यहाँ पर आधार समान है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अब घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पर होगा 5x + 7 = 9। अब इसे हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 5x = 9 में 7 गए 2, तो x बराबर हुआ 2/5। यही हुआ हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, पहला 5, 2/5। तो चलिए दोस्त अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे x का मान पूछा है, तो इसमें दिया है 4 की घात 2x + 2 × 2 की पावर 3x + 8 = 512 हो तो x का मान बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम आसानी से हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आधार को, यानी कि आधार को हम समान बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लाने की कोशिश करेंगे, तो यह कैसे होगा चलिए हम देखते हैं। जैसे देखिए इसे हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसकी पावर यानी कि इसकी पावर 2x + 2, क्योंकि यह दिया है, इंटू 2 की पावर 3x + 8 = 512। तो इसके बाद यह होगा इसमें इससे गुणा हो जाएगा, तो यह होगा 2 की पावर 2 दूनी 4x + 4 × 2 की पावर 3x + 8 अब इसे 512 को हमने पिछले प्रश्न में देख लिया था, तो इसका होता है 2 की पावर 9। अब इसमें हर समान हो गया, तो जब सॉरी इसमें आधार समान हो गया, जब आधार समान हो जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं, जब यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया हो तो यह होगा 3x और 4x = 7x, यानी कि 2 की पावर 7x + 4, 3 और 8, 4, 12, यानी कि 12 इक्वल टू 2 की पावर 9। अब इसे हम हल करेंगे तो आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो यहाँ पर होगा 7x + 12 = 9। तो अब हम 12 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो 12 में 9 गए यानी कि 3, माइनस में आएगा 7x - 9 - 12 = -3/7 - 3/7, क्योंकि x 9 छोटा है और 12 बड़ा है, इसलिए उत्तर माइनस में आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा -3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, -3/7, यही हुआ हमारा राइट आंसर।
तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न में दिया है कि 2^3x इंटू 2^7x प्लस 7 इक्वल टू यानी कि बराबर 1024 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम आसानी से सीखते हैं। सबसे पहले हम आधार समान है तो घाते जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2^3x और 7x मिलाकर होगा 10x प्लस 7 इक्वल टू, अब 1024 को 2 के रूप में लिखेंगे तो होगा 2^10, क्योंकि हमने अभी पिछले ही प्रश्न में सीखा था कि 2^9 बराबर होता है 512, तो इसका हम दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 1024, तो इसमें भी एक घात हम जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2^10। तो यहाँ पर होगा 2^10, अब इसमें आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो यहाँ पर होगा 10x प्लस 7 बराबर होगा 10। अब 7 इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, यहाँ पे बचेगा 10x, तो x बराबर होगा हमारे पास 3/10, यानी कि यही हुआ हमारा राइट आंसर 3/10, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलिए।